वहीं एक अहम खबर आपको बता दें, ब्रिटिश पीएम का जय सियाराम से हुआ है स्वागत। ऋषि सुनक ने जय सियाराम से ही इसका जवाब दिया। दरअसल केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो रिसीव करने पहुंचे ऋषि सुनक को। देखिए उस वक्त की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अश्विनी चौबे ने सुनक का स्वागत किया और ब्रिटिश पीएम का जय सियाराम से स्वागत किया गया और बदले में ऋषि सुनक ने जय सियाराम से ही जवाब दिया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का दिल्ली पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। पीएम सुनक के साथ उनकी पत्नी अक्षरा भी दिल्ली आईं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने एयरपोर्ट पर ऋषि सुनक की अगवानी की। सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए पीएम सुनक का स्वागत किया गया। इससे पहले भारत रवाना होने से पहले ऋषि सुनक ने कहा, G20 की अध्यक्षता के लिए भारत सही समय पर सही देश है। भारत को वैश्विक नेतृत्व करते देखना अद्भुत है। भारत ब्रिटेन के संबंध दोनों देशों का भविष्य तय करेंगे। भारत के साथ मिलकर वैश्विक चुनौतियों पर काम किया जाएगा। जलवायु परिवर्तन अर्थव्यवस्था को मिलकर स्थिर करेंगे। इस बीच पीएम सुनक ने ट्वीट के जरिए कहा कि G20 समिट में वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्थिर करना है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाने के साथ सबसे कमजोर लोगों का समर्थन भी करेंगे। उन्होंने आगे लिखा कि पुतिन फिर से G20 में उपस्थित होने से विफल रहे हैं, लेकिन हम यूक्रेन के समर्थन के साथ उपस्थित हैं। ब्रिटेन की विश्व की GDP में 2.3% की हिस्सेदारी है और विश्व में $3.16 ट्रिलियन के साथ अर्थव्यवस्था में छठे पायदान पर है।